वाओ। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि भगवान हमसे बहुत खुश है। हम जहाँ भी जाते हैं भगवान हमें ऐसा वेदर वहाँ पर भेज देते हैं। देखिए कितने सुंदर क्लाउड्स, आई मीन यहाँ पे भी पूरे क्लाउड्स। नेचर, वेदर एंड इग्लूज, वाओ, एक साथ इतना कुछ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। आज हम आए हैं कोटद्वार और हम खड़े हैं सिद्धबली धाम। बहुत ही फेमस मंदिर है बजरंगबली का, और ऐसी मान्यता है कि क्योंकि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के बाहर से हमने दर्शन कर लिए हैं, अंदर दर्शन कराएंगे आपको पूरा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम आज आपको जहाँ पर विजिट कराने लेकर जा रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट तरह का रिजॉर्ट बना हुआ है वो, और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहीं से आपको अभी हम दिखाएंगे जहाँ पर सफारी के लिए यहीं से टिकट्स बुक होती हैं और आपको जंगल सफारी जिम कॉर्बेट की यहाँ से कराई जाती है। तो आइए वो भी देखते हैं और किस तरह का रिजॉर्ट है। रास्ता बहुत सुंदर है तो हम आपको रास्ता दिखाते हुए लेकर जाएंगे, आइए चलते हैं। तो देखिए, मंदिर से जस्ट 50 मीटर्स हम आए हैं मेन रोड पर, जो आगे ये पौड़ी की तरफ रोड जा रहा है, इसी पर हमें अभी जाना है। और यहाँ पर ये गेट हमें दिखाई दे रहा है, रिसेप्शन सेंटर है ये, जहाँ से आप जंगल सफारी की बुकिंग्स कराते हैं। एक तो इन्होंने दिया है कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व और कालागढ़ टाइगर रिज़र्व, दो बताए हैं इन्होंने जिसके लिए सफारी यहाँ से चलती हैं। तीन अलग अलग गेट हैं और चार्जेस लगभग वही हैं जो हमने जिम कॉर्बेट में पता किए थे, 3500 फॉर पूरा एक जीप के लिए, जिसमें 6 से 7 लोग आ जाते हैं। तो देखिए बहुत सुंदर, इवन यहाँ गार्डन भी बनाया हुआ है इन्होंने। और यहाँ से आगे अब हम लेकर जाएंगे आपको पौड़ी की तरफ, जहाँ पर वो बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। और देखिए हम काफ़ी आगे आ गए हैं सिद्धबली मंदिर से, लगभग 10 किलोमीटर हम आगे आ गए हैं। और ये दुर्गा माता का बहुत फेमस मंदिर है, और ये नदी जो जा रही है इसका नाम है खो नदी। अब इसका नाम खो नदी क्यों है ये एक मिस्ट्री है, बिकॉज मुझे इसकी हिस्ट्री पता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ होगा यहाँ पर, ज़रूर कोई ना कोई खो जाता है इसमें, इसीलिए इसका नाम खो नदी है। बहुत सुंदर वाटरफॉल ऊपर से आ रहा है बहुत बड़ा, आवाज़ इतनी तेज़ है पानी की कि मतलब मुझे अपनी ही आवाज़ ऐसा लग रहा है सुनाई कम दे रही है, इसलिए शायद मैं ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ। और देखिए हम इस पॉइंट पर आ गए हैं, यहाँ से ये रूट जाता है पौड़ी और लैंसडाउन के लिए, और हमें जाना है ये नीचे की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है अभी 4 किलोमीटर, लेकिन लगभग शायद 3-3.5 किलोमीटर है यहाँ से। रूट पूरा ही बहुत सुंदर है, देखिए सामने माउंटेन्स कितने सुंदर दिख रहे हैं, और अभी ये हमें पुल क्रॉस करके जाना है। आगे भी जो रूट दिख रहा है बहुत सुंदर है, इवन नदी का पूरा एक्सेस है यहाँ से, लोग मुझे दिख रहे हैं। तो आप रिजॉर्ट से भी यहाँ पर आ सकते हैं अगर आपको नदी में एंजॉय करना है तो। और देखिए खूबसूरत रास्तों के बीच होते हुए हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। बहुत ही सुंदर मुझे यहाँ पर लग रहा है ये, देखिए पूरा हम नेचर के बीचों बीच हैं, जसगर रिजॉर्ट एंड होटल्स, देखने में मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। अभी हमें गाड़ी से ही अंदर जाना है, तो देखते हैं कितनी दूर, कितना अंदर हमें अभी जाना है रिसेप्शन तक। तो आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या खास चीज़ है। देखिए प्रॉपर्टी में मुझे, क्योंकि ये पाइन ट्रीज दिख रहे हैं, दिखते ही यहाँ पर मुझे समझ में आ गया था कि वेदर यहाँ का अच्छा होने वाला है। और जैसे ही हम लोग गाड़ी से बाहर निकले हैं, यहाँ का टेम्परेचर, कोटद्वार और यहाँ पर डिस्टेंस 14 किलोमीटर है और 15 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस, वाओ।
इतनी कम डिस्टेंस में इतना ज़्यादा डिफरेंस होना टेम्परेचर में बहुत अपने आप में एक बड़ी बात है। पार्किंग एरिया से हम शुरू करते हैं, देखिए इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने, इनके पास 4 एकड़ लैंड है ये, और इतनी बड़ी लैंड में इन्होंने बहुत ज़्यादा अकोमोडेशन अभी नहीं बनाई हुई हैं, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि इनका प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था 120 रूम्स का, लेकिन अभी वो फिलहाल नहीं हुआ है। तो जितनी अकोमोडेशन अभी हैं हम आपको वो दिखाते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के डोम्स इन्होंने बनाए हुए हैं, आइए चलते हैं देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है क्योंकि आज हमारा ये शॉर्ट ट्रिप है, और जल्दी से पहले कुछ खाते हैं और उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। और देखिए गर्मा गर्म सिजलर मेरे सामने रखा हुआ है, आई कांट वेट नाउ, और जल्दी से हम खा लेते हैं क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। वाओ, इट्स लुकिंग सो डिलिशियस। तो हमें रिसेप्शन पे हमारे गार्ड मिले हैं ब्रूनो, हेलो ब्रूनो, और यहाँ पर इसकी फ्रेंड भी है साथ में। ये इनका यहाँ पर रिसेप्शन एरिया अभी इन्होंने टेम्प्रेरी दिया हुआ है, सिटिंग लाउंज दिया हुआ है। देखिए रिसेप्शन, इस तरह का रिसेप्शन मैंने पहली बार ही देखा है, क्योंकि ये इग्लू स्टाइल में है, बहुत सुंदर लग रहा है, डिफरेंट कुछ चीज़ हमें मिली है यहाँ पर। और देखिए यहाँ से बाहर आपको पूरा यहाँ पर नेचर ही नेचर दिखती है, और इस तरह के एटमॉस्फेयर में हमें बहुत अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि देखिए ये ऑक्सीजन जो हम यहाँ ले रहे हैं, अभी पैंडेमिक की वजह से जो लाखों में भी इवन गैस सिलेंडर्स खरीदे गए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, यहाँ पर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो देखिए जिस तरह की ये प्रॉपर्टी बनी हुई है, और जिस तरह से ये नेचर ग्रीनरी बिल्कुल बीचों बीच, देखिए पहाड़ दोनों तरफ पहाड़ हैं, वैली के बीचों बीच हमें ये प्रॉपर्टी दिख रही है। इस तरह की प्रॉपर्टी इवन मुझे ऋषिकेश में मुझे मिसिंग लगा, मुझे नहीं मिली है, अदरवाइज़ हम सर्च कर लेते अभी तक। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ का वेदर, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी मुझे गर्मी फील नहीं हो रही है, दिन के अभी 12 बजे हैं और देखिए वेदर बहुत अच्छा है। एंड ऐसा नहीं है कि स्पेशली आज ही है, यहाँ पर वेदर मोस्टली ऐसा ही रहता है, मैक्सिमम टेम्परेचर वही 25 डिग्री तक रहता है दिन में, और रात को ये 14 डिग्री तक पहुँच जाता है, तो रात को अच्छा खासा ठंडा रहता है यहाँ। तो यहाँ पर देखिए हमें 6 डॉम्स दिख रहे हैं, 3 इस तरफ हैं, 3 इस तरफ हैं, बीच में बिल्कुल देखिए कितना सुंदर ये गार्डन यहाँ बनाया हुआ है, इस तरह का फील बिल्कुल रिजॉर्ट वाला फील यहाँ पर आ रहा है। और ये डॉम्स किस तरह के हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और देखिए ये पूरा इग्लू शेप में डॉम बना हुआ है, बेडिंग है, सिटिंग एरिया है, स्पेस काफी ज्यादा है, और जिस तरह से विंडोज यहाँ दिख रहे हैं तो आपको व्यू बहुत अच्छा मिलता है, फुली एयर कंडीशन, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट रखा हुआ है यहाँ पर, अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम काफी डिफरेंट तरीके से इन्होंने क्योंकि बनाया हुआ है, बिल्कुल राउंड शेप में ही है, क्योंकि पूरा इग्लू शेप है ये, तो काफी डिफरेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इस प्रॉपर्टी में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर स्टेप पे यहाँ पर आप नेचर को अलग फील करते हैं। देखिए जिस तरह से अभी मुझे ये आवाज़ें आ रही हैं, और इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, क्योंकि माउंटेन व्यू वैली व्यू हमें नॉर्मली मिल जाता है, कहीं से भी मिल जाता है, लेकिन इस तरह का जो ये फील है फॉरेस्ट वाला फील, ये बहुत अलग है। और देखिए यहाँ पर ये मुझे छोटा सा मंदिर दिख रहा है, मैंने अभी पूछा है ये मंदिर किसका है, तो ये जो गांव में क्षेत्रपाल जो होते हैं, रक्षक होते हैं, तो ये वही मंदिर है और ये पूरे गांव की रक्षा करते हैं। एक और ये डिफरेंट डॉम में आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़ा सा इंटीरियर का फर्क है, इन्होंने यहाँ पर ये लगाया है, कार्पेटिंग की है इस पे। आप लोग देखिए टेंट्स में तो बहुत रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर अगर आप इस तरह के डॉम में रहेंगे तो एक अलग फीलिंग होगी, क्योंकि बहुत अच्छा बना हुआ है ये। मैं इस तरह के डॉम में रह सकती हूँ, और क्योंकि सभी में अटैच वॉशरूम्स हैं, ये भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और देखिए ये वॉशरूम कितना स्पेशियस है, इनफैक्ट अगर फैमिली पूरी यहाँ पर रहे
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चों के लिए बहुत एक अट्रैक्शन पॉइंट बन सकता है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है आई एम श्योर। सारी चीजें मुझे नीट एंड क्लीन लगी है और मेरी वॉइस एको कर रही है यहाँ पर, और कुछ रूम्स भी हैं इनके पास जिसमें फैमिली रूम है और कुछ सिंगल रूम्स भी हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ की लैंडस्केपिंग बहुत डिफरेंट लग रही है मुझे, बड़े बड़े पत्थर हैं, इवन देखिए जसगर लिखा हुआ है बहुत सुंदर पत्थर पर ही। इसी तरह से ये एक सिटिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है ममटी स्टाइल में, और यहाँ पीछे पूरा इन्होंने एक्टिविटी एरिया दिया हुआ है जो बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ एक्टिविटीज़ हमें दिख रही हैं, नेट एक्टिविटीज़, क्योंकि इस तरह के जब रिजॉर्ट में आप आते हैं ऑफ बीट प्लेसेस पे जब जाते हैं तो बच्चों के लिए मेन सोचा जाता है कि टाइम पास कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी है, और इस तरह की एक्टिविटीज़ में तो एक्सरसाइज भी होती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हैं, इनफैक्ट इन्होंने बताया है कि पहले यहाँ पर 6 या 7 इंस्ट्रक्टर इन्होंने रखे हुए थे क्योंकि रश बहुत रहता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से अभी रश कम हो गया है, वीकेंड्स पर यहाँ पर रश रहता है, और क्योंकि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए आप बुकिंग भी करेंगे तो प्रायर बुकिंग ज़्यादा ज़रूरी है करना। तो देखिए यहाँ इसके नीचे भी 2 क्लाइंबिंग वॉल्स हैं इसी तरह से, क्योंकि एरिया इनके पास बहुत है तो जगह काफ़ी है, काफ़ी एक्टिविटीज़ इसीलिए इन्होंने लगाई हुई हैं यहाँ पर। नेटवर्क बहुत अच्छा है यहाँ पर, फुल नेटवर्क है, इवन 4G नेटवर्क यहाँ पर आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरह के रैम्स यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी में आपको मिलेगा एक्सेस करने के लिए, आप किसी भी पॉइंट पर जाना चाहें तो व्हीलचेयर एक्सेस यहाँ पर होता है। स्पेशली मैं बताना चाहती हूँ अगर सीनियर सिटीजन भी आते हैं और व्हीलचेयर एक्सेस करना चाहते हैं तो ये पूरे इसी तरह से रैम बने हुए हैं नीचे तक के लिए, तो आप प्रॉपर्टी के किसी भी एरिया में जा सकते हैं व्हीलचेयर पर। और देखिए ये रेस्टोरेंट एरिया है, अभी ये 3-स्टोरी में आपको मिलेगा जब कंप्लीट हो जाएगा, काम चल रहा है अभी, बहुत सुंदर लगेगा ये, और इवन टॉप से तो आपको व्यू इतना सुंदर दिखता है, अभी हम दिखाएंगे आपको। पीछे यहाँ पर ये थिएटर बना रहे हैं, एक बैंक्वेटिंग यहाँ पर बहुत सुंदर हो सकती है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने स्टेप्स में ये प्रॉपर्टी बनाई हुई है और इतना ओपन एरिया है और राउंड शेप में बनाई हुई है, आपको व्यू चारों तरफ से मिलता है, तो बैंक्वेटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। और देखिए ये पूरा आपको थिएटर स्टाइल दिख रहा है यहाँ पर, सामने स्टेज है और यहाँ पर ये स्टेप्स बने हुए हैं, और यहाँ पर ये एक डेस्टिनेशन वेडिंग कर भी चुके हैं तो इसलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनका, लोगों को बहुत पसंद आया इवन गेस्ट को। पीछे आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, पूरा राउंड में है ये, सारे रूम से आपको बहुत सुंदर व्यू मिलेगा जब ये कम्प्लीट हो जाएंगे, और 120 रूम्स की इन्वेंट्री टोटल हो जाएगी यहाँ पर। कुछ रूम्स इनके अभी ऑपरेशनल हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फैमिली रूम है, 2 बेड लगे हुए हैं इसमें, और दोनों तरफ आपको इतने वाइड ग्लासेस दिए हुए हैं जहां से आपको व्यू इतना प्यारा मिल रहा है। देखिए वाओ, दिस इज फैबुलस। देखिए जब आप इसे ओपन करते हैं तो फील कर सकते हैं आप। और देखिए अटैच वॉशरूम बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने। देखिए आप किसी भी बेड पर बैठे हो, आपको दोनों तरफ विंडो से कितना प्यारा व्यू मिल रहा है ये। डॉर्म्स में यहाँ पर हमने एसी देखे थे लेकिन यहाँ पर एसी नहीं है रूम्स में, इनफैक्ट आपको ना तो डॉर्म्स में एसी की ज़रूरत पड़ेगी ना ही रूम्स में यहाँ पर, क्योंकि देखिए जैसे ही विंडो खुला है इतनी ठंडी हवा यहाँ पर आ रही है, वाओ। और देखिए रूम के बाहर आपको इतना प्यारा गार्डन यहाँ पर मिलता है, बच्चे खेल भी सकते हैं। इसी तरह देखिए साथ में ये एक आपको सिंगल बेडरूम मिलता है 2 लोगों के लिए, सिटिंग एरिया इसमें भी है, अटैच वॉशरूम है। यहाँ पर आपको टीवी और एसी नहीं मिल रहा है जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप नेचर में आ रहे हैं,
उसको फील कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, टीवी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओह माय गॉड, लुक एट द व्यू। हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर हैं यहाँ पर, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। हम 4 फ्लोर ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से आपको देखिए व्यू, क्या ज़बरदस्त व्यू मिल रहा है। ये पूरा कंस्ट्रक्शन जिस तरह से हो रहा है आप देखिए, पूरा सर्कल में है, ये राउंड है। और इसके ऊपर अभी ये जब पूरा एक फ्लोर अभी और ऊपर हम जाएंगे, 2 लिफ्ट यहाँ पर लगाई हुई हैं, तो उसके टॉप से जब हम इसका व्यू देखेंगे, वाओ, आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि वो कैसा रहेगा व्यू। बहुत ही ब्यूटीफुल है। और सर्विसेज की भी जिस तरह से अभी ये बात कर रहे हैं, बता रहे हैं हमें, ये बहुत ही लग्जीरियस रिजॉर्ट बनने वाला है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा हम एक बार फिर आएंगे। इनफैक्ट मुझे आज ये लग रहा है कि हम बच्चों को लेकर आते हैं तो नाइट स्टे यहाँ पर करते हैं, क्योंकि अभी हमें बताया गया है यहाँ पर मॉर्निंग में जब आप उठते हैं ये पूरा यहाँ पर हम बादलों के ऊपर फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा नीचे बादलों से ढक जाता है ये एरिया। देखिए पानी बहुत टेस्टी है, इनफैक्ट ये RO वाटर नहीं है, स्प्रिंग वाटर है यहाँ पर। ये यहाँ की ब्यूटी है कि यहाँ पर स्प्रिंग वाटर आपको मिलता है डायरेक्ट, एंड विच इज़ हेल्दी ऑल्सो, टेस्टी भी है। हम लोगों ने प्लान किया था कि हम यहीं पर बैठकर खाएंगे बिल्कुल नेचर के बीचों बीच, लेकिन बारिश आ गई है तो हमें यहाँ से अभी शायद मूव करना पड़ेगा, तो हम अंदर रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं। फूड आई मस्ट से, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी और बहुत डिलीशियस फूड मिल गया है। इन्होंने जो मिक्स वेज बनाया है थोड़ा डिफरेंट मुझे इसका लग रहा है और टेस्टी लग रहा है, क्योंकि इसमें कॉर्न डाले हुए हैं एंड आई लाइक कॉर्न। दाल बहुत अच्छी है और साथ में चपाती एंड राइस। ये देखिए बारिश भी शुरू हो गई है, वेदर और अच्छा हो गया है। और यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो अभी हम मिस्टर डबराल जो यहाँ के ओनर हैं उनसे बात करेंगे, वो हमें बताएंगे कि यहाँ पर क्या स्पेशल चीज़ें हमें मिलती हैं। मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा नेचुरल वीडियोज़ बनाते हैं, और ये मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मतलब लोगों की वीडियोज़ देखी है, लेकिन इससे अच्छी वीडियोज़ मैंने अभी तक देखी नहीं है। जसगर के बारे में आप पूछ रहे थे, तो जसगर क्या है कि हम लोग एक्टिविटीज़ बेस्ड एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इसमें हम 2 चीज़ें साथ में लेके चल रहे हैं, एक तो हॉर्टिकल्चर को साथ में लेके चल रहे हैं और एक हम टूरिज्म को साथ लेके चल रहे हैं। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हमारा क्या कि हमने ऐसी ऐसी 6 जगह खरीदी हुई हैं, हम हर जगह में, जैसे इसको हम उत्तराखंड का पहला स्पाइस गार्डन बनाने जा रहे हैं, इससे अगला वाला हमारा वो सिट्रस गार्डन होगा, उससे अगला जो हम चरेख में बनाने जा रहे हैं उसको मेडिसिनल गार्डन बनाने जा रहे हैं, कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी औषधीय पौधे हैं उसके हम वहाँ पर खेती करेंगे। अगर आप एज ए स्पाइस गार्डन इसको देखते हैं तो ये हमारी छोटी इलायची इधर लगी हुई है, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी इलायची, इधर आप देखेंगे बड़ी इलायची लगी हुई, और अगर आप आगे देखते हैं तो इसमें हल्दी हो गई, अदरक हो गया, पार्सले, थाइम, चाइप्स, जीरा, जख्या, जो जो भी सीजनल हो या पेरिनियल जो भी प्लांट है उसकी हम यहाँ पर खेती कर रहे हैं। उसके अलावा आप अगर देखेंगे इस पूरी प्रॉपर्टी के अंदर 3000 से ज़्यादा पेड़ों का जंगल है, तो हमने एक एक पेड़, अगर आप इस पूरी प्रॉपर्टी को देखेंगे तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसका आर्किटेक्ट कौन है, तो मेरा कहना होता है कि नेचर ही इसका आर्किटेक्ट है। अगर आप ये वाला कॉटेज पर अगर ध्यान देंगे आप देखिए, इसमें ये बांस का पेड़ है, उधर इसमें दूसरा पेड़ है, बीच में इसमें देखिए आपने दीवारें अंदर डाल के एक पेड़ उधर बचाया हुआ, तो पेड़ों के हिसाब से हमने पूरा का पूरा, इसके अलावा भी इतना घना जंगल होने के बाद भी हमने पिछले साल 250 पेड़ देवदार के लगाए हैं और इस साल फिर हमने 100 पेड़ और तैयार करें। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये पिछले साल का देवदार का पेड़ है, ये 250 पेड़ लगे हैं, तो और उसके अलावा 300 पेड़ हमने इस साल इसमें नीम के लगाए हैं। तो मेरा ये है कि हमें एक प्रकृति को साथ में लेते हुए अब मतलब जितने भी जो आज के हम इतनी भाग दौड़ वाली जो ज़िंदगी है उसमें लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। तो आपको पहाड़ से संबंधित जो भी चीज़ करनी है, आपको ट्रैकिंग करनी है, कैंपिंग करनी है, जंगल सर्वाइवल जाना है, जंगल कैंप जाना है, ग्रासलैंड ट्रैकिंग करनी है, विलेज टूर करना है, हॉन्टेड होम में आपको स्टे करना है, उसके अलावा आपको नेचर के साथ नदी में जाना है, वो सारी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर इंस्ट्रक्टर के साथ शुरू करने जा रहे हैं। वाओ, और देखिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि भगवान हमसे बहुत खुश है, हम जहाँ भी जाते हैं भगवान हमें ऐसा वेदर वहाँ पर भेज देते हैं। देखिए कितने सुंदर क्लाउड्स, आई मीन यहाँ पे भी पूरे क्लाउड्स हमारे पास पास आते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी जिस तरह से बनाई है और सर ने जिस तरह से बताया है अभी हमें कि कितने एफर्ट्स वो लगा रहे हैं यहाँ पर नेचर को बचाने के लिए और नेचर में आपको इतनी सारी एक्टिविटीज़ देने के लिए, तो ये आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन पॉइंट आपके लिए होने वाला है। तो आप इसके बारे में डिटेल्स हम आपको देते रहेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी सारी डिटेल्स मिलेंगी, तो आप यहाँ पर आके इस चीज़ को फील करें,
आप बेस्ट डील्स के लिए आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट इनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ, वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए और ओटी एक्सपर्ट इंस्टाग्राम आईडी है उसको भी फॉलो कीजिए। कुछ मैसेज डिटेल्स में अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।